नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं समाज की नजर दिनेश श्रीवास्तव के साथ। हम अब हरदोई डिस्ट्रिक्ट के बेथर गांव में हम खड़े हैं। यहां बाढ़ की गंभीर स्थिति बनी हुई है। नरौना बांध से जो पानी छोड़ा गया है इस गांव पे कहर बनकर टूट पड़ा है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ये गंभीर धार जो है चल रही है। जैसा कि यहाँ के गांव के लोग बताते हैं 30 फुट गहराई यहाँ हो चुकी है और ये जो मकान नजर आ रहा है ये बिल्कुल मकान गिरने की कगार पर है। ये लोग कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, इनके समझ में नहीं आता है। लेकिन अभी तक यहाँ कोई भी प्रशासनिक अधिकारी नहीं आया। क्या नाम है भैया आपका? विनोद कुमार। कहाँ के रहने वाले? बेहतर। ये कब से पानी बढ़ रहा है? ये परसों से बढ़ रहा है। परसों से? अच्छा, इस स्थिति में ये जो घर है इन लोगों के लिए क्या उपाय आप लोगों ने सोचा? हम लोगों ने इनका ये डलवाया है घर, पेड़ काट काट के डलवाए हैं, रोकने के लिए नहीं रुक रहा है। अच्छा, आपके गांव में कितने घर होंगे? लमसम होंगे 400। 400 घर होंगे? आपके यहाँ प्रधान कौन है? अशोक कुमार। कोई जनप्रतिनिधि आया, विधायक या सांसद? कोई नहीं आया। कोई जनप्रतिनिधि नहीं आया? कोई प्रशासनिक अधिकारी आया? एसडीएम साहब आए। एसडीएम साहब आए, क्या बोल गए? ये रात के लिए बोल गए कि रात मिलेगी। रात मिलेगी, किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं है, ये बोल गए रात के लिए बोल गए। क्या नाम है भैया आपका? अमरेश कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं? अरवल। अच्छा, एसडीएम साहब आए थे, क्या बोल गए? यही बोल गए कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है कहीं। हाँ, तो आप लोगों ने क्या बताया? प्रॉब्लम सब आई है, जो पानी भरा है समस्या है। और क्या, जीवन यापन कैसे करेंगे? अब करी जो कुल मिलाकर त्राह त्राह कर रही है यहाँ की जनता। ये जो बेहंदर गांव में हम खड़े हैं सरकार, यहाँ पानी ही पानी नजर आता है। जहाँ तक भी नजर जाती है वहाँ तक पानी ही पानी नजर आ जाता है। फसलों की तो बात छोड़िए, फसलें तो सब बर्बाद हो चुकी हैं, तहस नहस हो चुकी हैं। यहाँ के जो लोग रहने वाले हैं उनके सामने बड़ी ही गंभीर समस्या आज है। मकान भी ढेर हो रहे हैं। सबसे गंभीर समस्या है वो जीवन यापन की, कि रात का खाना कैसे बनेगा, शाम का खाना कैसे बनेगा, कल सुबह वो बच्चों के साथ कहाँ रहेंगे। इस तरीके की यहाँ गंभीर समस्याएं हैं। प्रशासन की तरफ से खैर यहाँ तो एसडीएम साहब एक बार आए, आकर के उन्होंने जायजा भी लिया और यहाँ के जो समस्याएं हैं उनका भी उन्होंने जायजा लिया और जनता को आश्वासन भी दिया कि आने वाले समय में आपकी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मदद मुहैया कराई जाएगी।